पीटीआई का प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से मुल्क में ज़र मुबादला ना भेजने के पीटीआई के दावे धरे के धरे रह गए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने डॉलर्स की बारिश कर डाली। एक दिन में 5,70,00,000 की तरसीलात ज़र भेजी। वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उस्मान खान की रिपोर्ट। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, वो पैसे नहीं भेज रहे। 25% आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो नीचे चली गई हैं। हफ्ता भर भी ना हुआ जब 17 जून को पीटीआई चीफ इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने मुल्क पर से ओवरसीज पाकिस्तानियों का भरोसा उठने का दावा किया था। चार रोज बाद ही मुहिब वतन परदेसी पाकिस्तानियों ने पीटीआई को जन्नाटेदार जवाब रसीद कर दिया। 21 जून को तरसीलात ज़र भेज कर वो कर दिखाया जो 75 बरस में ना हुआ। एक ही दिन में रिकॉर्ड 5,70,00,000 डॉलर वतन भेज दिए। इससे पहले पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने भी अपने 10 मई के ट्विटर पैगाम में बड़ा दावा किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट से अपनी रकम निकलवा रहे हैं। इसका जोरदार जवाब वजीर आजम शहबाज शरीफ के ट्विटर पैगाम में रसीद कर दिया गया कि रोशन डिजिटल अकाउंट में रकूम का हुजम $4.5 अरब से भी तजावज कर चुका है। वजीर आजम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन भी पेश किया। कहा, परदेसी पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं, जिनके दिल अर्ज़े पाक की मोहब्बत में धड़कते हैं। शहबाज शरीफ ने वादा भी किया कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात के भंवर से निकालकर ओवरसीज पाकिस्तानियों की उम्मीदों और तवक्कात पर पूरा उतरेंगे।